कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने मिलकर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देश के ताजा हालात बताए। इसमें बताया गया कि 1152 लोगों की मौत अब तक कोरोना से हुई है। इसके साथ ही 1755 कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए हैं। कोरोना को लेकर देश में ताजा हालात क्या हैं? इसे लेकर गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ताजा आंकड़े बताए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या अब 35,000 के पार पहुंच चुकी है। देश में अब तक 8,888 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। मरीजों के ठीक होने का रिकवरी रेट 25.37% पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में 554 मरीज ठीक हुए हैं। साथ ही अभी भी 25,000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने 13 लाख वैगन से ज्यादा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की है। राज्य की सीमाओं पर अब ट्रकों को नहीं रोका जाएगा। साथ ही ट्रक और मालवाहक वाहनों को किसी तरह के पास की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने बताया कि दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को ट्रेन से जाने की अनुमति दी गई है। इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी निर्देश दिए गए कि सभी जिलों को अब ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन में बांटा जाए। इसके साथ ही ये भी बताया गया कि लॉकडाउन को अब 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है।